हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। इसमें मैंने इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न लिए हैं और साथ में उनके जवाब भी हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। सबसे पहला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 क्या है? क्या है दोस्तों? ये है हमारा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य है, इसके लिए जो तैयार किया गया दृष्टि पत्र, यानी कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र ही इंडिया विजन 2020 है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री रंगराज। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011 से 12। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। मानव विकास सूचकांक में शामिल क्या क्या किए जाते हैं? देखिए क्या क्या शामिल किए जाते हैं मानव विकास सूचकांक में। जीवन संभाव्यता, मतलब जीवन के लिए जो जरूरी है संभव है। शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? ये होता है तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। और अब अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन और मछली पालन। और जो द्वितीयक क्षेत्र है वो विनिर्माण से संबंधित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2017 तक। भारत में 2001 और 2011 के बीच में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बतानी कितनी रही? 17.7%। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी कौन सी तारीख को लागू हुआ, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है दोस्तों? ये समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये है 8%। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1966 से 1969 तक। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों? उत्पादन शुल्क से। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? कृषि, वन, उत्खनन। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। और इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। किसी वस्तु पर इको मार्क सिंह क्या दर्शाता है? कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? ये है शेयर बाजार से। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या होता है? सेंसेक्स। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी है? 940। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के नाम बताएं। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। सर्वोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 20। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? 2 फरवरी 2006 को। भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है?
दोस्तों वो है बिहार। दोस्तों एक पांच आपके एक पेज छूट गया था, वो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। किसी समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया, कौन सी समिति, किसकी समिति थी वो? एल के झा समिति। किस समिति की संस्तुति पर, वो समिति थी एल के झा समिति। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1992 को। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? दोस्तों वो था चौथी योजना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में रहती है? उत्तर प्रदेश। 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? 42.0%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण में प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब लोगों की सहायता करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? वो था उद्योग। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1956 में। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ये थी चौथी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ये करती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों के नाम बताने हमें, सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? वो थी योजना अवकाश काल में। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रोफेसर वी के आर वी राव को। लाइसेंस कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है ये। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1911 से 1921। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि पर। वैट किस प्रकार का कर है? ये है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? दोस्तों अभी तक 3 बार। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? सेबी। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। 3 प्रत्यक्ष करों के नाम बताने हैं हमें, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों इस अध्याय में हमने सिर्फ अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में जाना। ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक प्रश्न हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इन्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है और आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। दूसरों के दोष देखना ही वास्तव में दोष है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।